आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि लेडीज पैंट और प्लाजो की सिलाई जो सेंटर वाली होती है वो क्यों उठती है, उसका क्या कारण होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उसका कारण जानना होगा कि जो सेंटर में सिलाई उठती है उसकी क्या वजह होती है, लेकिन अगर किसी की सिलाई उठ गई तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही पूरी डिटेल में मैं इसमें वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना तो आपकी ये जो ऑल्टरेशन है वो आप ठीक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा अमीना बुटीक पेपर कटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों अगर किसी को भी हमारी पैंट प्लाजो कमीज की पेपर कटिंग चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये सिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी गलती होती है, और ऐसे तो मैं भी बनाता आया हूँ, मुझे मालूम है कि हम जल्दी के चक्कर में ऐसे कर देते हैं। तो पहली गलती हमारी क्या होती है, पूरी पैंट बनाने के बाद ये देखिए आसन की जो सिलाइयां हैं हम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, चाहे वो आपका पजामा हो, पैंट हो, प्लाजो हो, इसको ऐसे पकड़ के हम यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों नीचे से हमारी सिलाई लगी पूरी और यहाँ से हमने इसको उतार दिया। ठीक है, उतारने के बाद हमारे यहाँ पे जो सिलाई लग जाती है, और यही एक गलती होती है हमारी जहाँ पे हमारी जो है सिलाई में खिंच पड़ती है। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से स्टिच करेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लें कि ये तो होगी आपकी पहली गलती जो आप करते हैं, और मैं भी ये चीज करता था। अब दूसरी वजह, यहाँ पे आप देखेंगे ये धागे निकल रहे हैं। धागे निकलने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ओवरलॉक करते हैं इस तरीके से। तो ये दो कपड़ों में जब मिला के ओवरलॉक की जाती है तो ये जो हिस्सा होता है आपका कपड़े का जो नॉर्मल बैठा है ये थोड़ा सा इस तरीके से स्लिंक हो जाता है, यानी कि ये चीज है हल्की सी पूरे में इतनी इतनी स्लिंक हो जाती है जिससे ये हिस्सा उठता है। ठीक है, तो ये चीज को आपको क्या करना है और किस तरीके से आप यहाँ ओवरलॉक करेंगे, तो एक पल्ले में मैं ओवरलॉक करके आपको दिखाऊंगा, एक में बिना ओवरलॉक करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि अब सेंटर की सिलाई को किस तरीके से जोड़ा जाए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये जो सिलाई लगी है इसको आसन वाली साइड से इसको करेंगे कट इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से कट करना है और ऐसे इसको कटिंग करके ऐसे धागे को खोल लेना है। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ इसको, ये देखिए पूरी सिलाई हमारे यहाँ खुल जाएगी। तो ये एक हिस्सा हमारा यहाँ पे खुल चुका है, आप देख सकते हैं ये जो आसन वाली साइड है ये खुल चुकी है। इसी तरीके से जो बैक वाला हिस्सा जोड़ा है हमें इतना हिस्सा बैक वाला भी खोलना है। तो चलिए बैक वाले हिस्से को भी हम खोल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों फ्रंट की सिलाई खोल दी, बैक की सिलाई खोल दी। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो नीचे का हमारा ये हिस्सा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे और आपको ये हिस्सा जोड़ के दिखाते हैं। तो दोस्तों अब इसकी मैं नीचे की मोरी को जोड़ देता हूँ जिसे हम बॉटम भी कहते हैं। तो देखिए इसको ऐसे मिलाना है और यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई, हल्का सा पक्का करेंगे। धागा लिया मैंने लाल कलर का जिससे आप देख पाए मैं कहाँ सिलाई लगा रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगानी है। ठीक है, एक ही सिलाई लगाएंगे हम और इसको एक बराबर ऐसे मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान से देखिए इसी तरीके से सेम हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे आसन जो है यहाँ पे अलग है जो हमने सिलाई खोली थी, इसको हम एक बराबर ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, और सिलाई लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से। ऐसे करना है और यहाँ पे पक्का करना है और यहाँ पे उतार देना है। ठीक है, पहले क्या होता था दोस्तों हम इसको इसी तरीके से जोड़ते ले जाते थे। अब यहाँ पे एक सिलाई लग गई, इसको हम कर लेंगे यहाँ से कट। अब जो दूसरी सिलाई लगाएंगे दोस्तों वो हम लगाएंगे इस साइड से, और सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है अपनी दूसरी वाली साइड पे भी। तो चलिए दोस्तों सेम आप सिलाई इस पे भी लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी, अब जो है हमें इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, अब इसको जो हम ऐसे पकड़ेंगे इसको हमें मार्जिन को बैक साइड में करना है। तो हमें देखना है कि हमारी बैक साइड कौन सी है, तो बैक साइड हमारी ये वाली है दोस्तों, ये वाली बैक साइड। तो हम इसको यहाँ से सिलाई लगाते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। और ये वाली जो दोनों साइड हैं, चाहे तो आप इस पर अलग अलग ओवरलॉक करके इसको चीर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे कर लें दोनों बैक साइड में और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सिलाई लगाते हुए यहाँ पे उतार दें। अब ध्यान से देखना दोस्तों ये जो कपड़ा है ना, ये वाली सिलाई ये हमारा यहाँ पर मिल के आए, अगर ये हिस्सा आपका ये ऊपर ऐसे निकलेगा,
इतना कपड़ा निकल गया मान के चलो, तो ये हिस्सा खींचेगा फील्ड वाला, तो याद रखें इसको थोड़ा सा आपको नम करके ही रखना होगा। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ कट कर देता हूँ, कट करने के लिए हिस्सा आपका ऐसे रहेगा, फ्री रहेगा, तो ये खींचे नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जब आप आसन को जोड़ेंगे तो आपकी कभी भी जो उठने की सिलाई जैसे प्लाजो हो पैंट हो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो होगी आपकी एक वजह कि इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। अब दूसरी वजह आपको बताता हूँ कि जो बीच में सिलाई उठती है उसकी सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों ओवरलॉक। तो ध्यान से रखें, मैं एक साइड में ओवरलॉक करूंगा और एक साइड आपकी वैसी रहने दूंगा, और आप कंपेयर खुद ही करना और देखना किस तरीके से ओवरलॉक वाली साइड उठती है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, ये वाली साइड देखिए बिल्कुल फ्री बैठी है, ठीक है। मैंने हल्की ऊपर से ऐसी प्रेस लगाई, आप देखिए बिल्कुल फ्री बैठी है और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई खिंचाव नहीं है। और यकीन मानो जब ये पहनोगे तो इसमें कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। और ये वाली जो साइड है इस पर आपको ध्यान देना है, ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल सीधी है, ये वाली साइड भी सीधी है, वरना अक्सर ऐसा हो जाता है, इतना हो जाता है, और इतना हो गया तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ओवरलॉक वाली, ठीक है। तो ओवरलॉक वाली को जब मैं इस तरीके से रखता हूँ, ध्यान से देखना, ये आपको इतना नहीं दिखेगा, ये जो ओवरलॉक है ना यहाँ पे देखिए, ओवरलॉक जब कपड़े में होती है तो ये आपकी इस तरीके से हो जाती है। किसी किसी की ओवरलॉक ऐसी होती है, जैसे मेरी मशीन की ठीक चल रही है, किसी किसी की ओवरलॉक ऐसी होती है कि ये हिस्से को ना ऐसे खींच जाती है, तो टोटल में 1 इंच आधा इंच ये पूरा यहाँ पे सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से सेंटर की सिलाई उठती है। तो अब मेन चीज आपके दिमाग में आएगा कि भाई धागे निकल रहे हैं तो ओवरलॉक हम कैसे करें। तो दोस्तों ओवरलॉक आपको सिलाई जोड़ने के बाद अलग अलग पल्लों में करनी है। अलग अलग पल्लों में करने के बाद एक तरीका और है, पहले तो मैं इसे नाप के देख लेता हूँ क्या ये बराबर है, क्योंकि कभी कभी ये बराबर होता है, कभी कभी ये छोटा बड़ा हो जाता है। तो देखिए सेंटर से मैं इसको नापता हूँ इस तरीके से रख के, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों सेंटर में नापने के बाद ये हिस्सा आप देखिए यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं आप, ये हिस्सा बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो ये उठने की इसमें शिकायत नहीं आएगी। अगर आपका यहाँ पे ओवरलॉक खींचता तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे आपका नम पड़ जाता इस तरीके से, और इतना नम पड़ना ही समझ लो ये हिस्सा आप देख सकते हो टेढ़ा हो गया, ठीक है, इतने में पड़ जाएगा। अब इसको करना क्या होता है कि उठे ना आप इसको ऐसे पकड़े और ये हिस्से को देखिए यहाँ से ऐसे खींचना है और यहाँ पे ऐसे सिलाई ऐसे प्रेस लगा देनी है ऐसे खींच के, ठीक है। ये आपको ऐसे सिलाई लगा देनी है, जैसे ही आप यहाँ पे सॉरी सिलाई नहीं प्रेस लगा देनी, प्रेस लगाएंगे तो ये हिस्सा आपका बैठ जाएगा। फिर भी आप ओवरलॉक की बहुत बड़ी वजह होती है सिलाई खींचने की, तो आप ओवरलॉक को कभी आपकी सिलाई में प्रॉब्लम आती है तो आप पल्लों को अलग अलग ओवरलॉक करें और इस तरीके से खींच के जो है आप यहाँ पे जो है प्रेस लगा देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे खींची एक वजह से और नहीं पड़ी कि ओवरलॉक की साइड में मैंने यहाँ पे कट कर रखा है, अगर ये जुड़ा होता तो हल्का फुल्का खींच यहाँ पे जरूर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको लगता है किसी की ज़्यादा दिक्कत आ रही तो यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा दें, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, वरना यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है। और आपको इस तरीके से आसन को जोड़ना है जो मैंने आपको अभी सिखाया, ये दो तरीके आप आजमा लूँ, आपके पैंट प्लाजो में कभी भी उठने की शिकायत नहीं आएगी। और वजह क्या होती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, कैसे ठीक करोगे ये भी मैं समझा चुका हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।